सो हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्वाफिना। सो आज का इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द टैंगमेट्स फॉर योर बेलून मॉली फिश। सो जो बेलून मॉली फिश होती है वो एक पीसफुल फिश होती है और इन फिशेस का कोई भी कम्युनिटी टैंक में रख सकते हैं। सो बेलून मॉली के साथ आप अपने शॉर्ट टेल फिश यानी वराइटीज ऑफ प्लैटीज, गोपीज, प्लेको, टेट्रा एंड क्रूडोरस कैटफिश को रख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, आप बेलून मॉली फिशेस के साथ कोई भी श्रिम को मत रखिए। अगर बड़ा श्रिम्प है तो आप रख सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। और छोटे श्रिम्प आप श्योर आपका जो मॉली फिश है उन छोटे श्रिम्प को खा लेगी। सो आप अवॉइड कीजिए श्रिम्प रखना अपने बेलून मॉली फिशेस के साथ। सो जो फर्स्ट टैंकमेट है बेलून मॉली फिश का वो है ग्लव्स कैटफिश। और जो सेकेंड टैंकमेट है वो है ऑटोसिंक्लूस कैटफिश। जो थर्ड टैंकमेट है वो है कूली लोशेस। फोर्थ टैंकमेट इज क्लाउन लोच। फिफ्थ टैंकमेट इज हनी गौरामी। सिक्स टैंकमेट इज डुअप गौरामी। सेवंथ टैंकमेट इज रमिनोस टेट्रा। एट्थ टैंकमेट इज डेनिशन बोर्ब। नाइन्थ टैंकमेट इज चेरी बोर्ब। 10th टैंकमेट इज हर्लेक्विन रसबोरा। 11th टैंकमेट इज सेलिस्ट्रियल पोल डैनियो। 12th टैंकमेट इज जेब्रा डैनियो। 13th टैंकमेट इज रेनबो फिश। 14th टैंकमेट इज प्लेको और सकुर कैटफिश। 15th टैंकमेट इज बिग डैनियो। 16th टैंकमेट इज क्रूडोरस कैटफिश। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।